13 साल तक ली स्ट्रॉबल शिकागो ट्रिब्यून के लीगल एडिटर रहे हैं। ये एक नास्तिक रहे हैं। जब इनकी पत्नी ने यीशु को स्वीकार किया तो ये 2 साल तक खोज करते रहे कि मसीहत को गलत साबित करें, लेकिन इसके बजाय सबूतों के कारण ये खुद विश्वासी हो गए। इन्होंने इन सबूतों के बारे में अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द केस फॉर क्राइस्ट में लिखा। हाल ही में कुछ विद्वानों ने दावा किया कि उन्हें प्राचीन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो नए अजीब यीशु के बारे में बताते हैं। ली ने इन नए सुसमाचार के सबूतों के बारे में जांचा, किन बातों को खोजे कि क्या ऐसी कुछ बातें ये बताते हैं जो ऐतिहासिक यीशु और मसीह विश्वास के बिल्कुल विपरीत हो। और आज आप सुनेंगे कि इन्होंने क्या पाया है। तो द जॉन एंकबर्ग शो के इस विशेष भाग में जुड़ जाइए। आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। हमारे मेहमान हैं ली स्ट्रॉबल। ये अवार्ड विनिंग लेखक हैं महान किताबों के द केस फॉर क्राइस्ट, द केस फॉर फेथ, द केस फॉर द रियल जीसस, द केस फॉर द क्रिएटर। ये किताबें दोस्तों इस समय पूरे संसार में उपलब्ध हैं, और ये किताबें आई हैं ली की खुद की खोज के कारण। ये तो लीगल एडिटर थे यहाँ शिकागो ट्रिब्यून में 13 साल तक, और ये खुद दोष निकालने वाले नास्तिक थे। और जैसे 2 साल के समय के दौरान इन्होंने इन सारे सबूतों को जांचा, तो इन्होंने माना कि यीशु सच में मुर्दों में से जी उठा और उसने खुद को परमेश्वर होने का दावा किया। और द केस फॉर क्राइस्ट इस किताब में इन्होंने लिखा, और लोग इन किताबों की ओर खींचे चले आते हैं, और आज ये हमारे मेहमान हैं। लेकिन आज हम देखने वाले हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में और यीशु के दावे के बारे में एक अलग दृष्टिकोण से। जानते हैं आज हमारे पास में ऐसी बहुत सी विख्यात किताबें हैं जो ये कहती हैं कि ऐसे नई प्राचीन किताबें हैं जो खोजी गई हैं, और ये तो सीधे उस समय लिखी गई थी जिस समय यीशु इस पृथ्वी पर थे और प्रेरित लोग थे, और ये तो यीशु के बारे में बहुत ही अजीब दृष्टिकोण बता रहे हैं। दूसरे शब्दों में पर्यायी दृष्टिकोण, जो कि एक ही समय में वहां पर थे तो वो कह रहे हैं तुम इसे चुन सकते हो या फिर इसे चुन सकते हो। तो फिर आप जरा बताइए कि आपने इसे कैसे पाया, और आपने कैसे इसे पाया कि आपको और खोज की जरूरत है। हाँ, जब मैंने उन विद्वानों को अधिक से अधिक पढ़ना शुरू किया जो दावा करते थे कि वैकल्पिक पुस्तकें या सुसमाचार बाइबल के सुसमाचारों की तरह ही वैध हैं, न्यायसंगत हैं, बस यीशु की एक अलग तस्वीर पेश करते हैं, मुझे जांचना था कि यह सही है या नहीं। जब जीसस सेमिनार ने, लेफ्ट विंग कट्टरपंथी जिन्होंने 5 गॉस्पल्स नामक पुस्तक को प्रकाशित किया, उन्होंने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के साथ थोमा को भी सम्मिलित किया। हेलो, और आप कहते हैं ये 400 सुसमाचार के बराबर है? यह एक बहुत बड़ा दावा है, इसलिए जांच जरूरी थी। क्या इसे प्रमाणित करने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है? जी, आपने जो कोट्स लिखे हैं मुझे पसंद है। इस किताब की शुरुआत में उनके अध्याय में स्टीवन एल डेविस, जो कि एक धार्मिक प्रोफेसर है, वो लिखते हैं इस तरह के नॉस्टिक सुसमाचार के लिए लिखते हैं। उन्होंने कहा कि 1900 साल तक नए नियम के मूल ग्रंथ ही नाजरत के यीशु के विषय में ऐतिहासिक रूप में विश्वसनीय ज्ञान के एकमात्र स्रोत थे। ये सच है। फिर उन्होंने कहा कि 1945 में ये परिस्थिति बदल गई। क्या बदल गया? एंड्रयू सिल्वन, जिनका कोट आपने यहाँ पर लिखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ये है कि पिछले 30 साल में हमने वास्तविक सुसमाचार की खोज की है। ऐसे सैकड़ों हैं जो आधिकारिक सुसमाचार नहीं हैं, लेकिन ये तो शुरू के चर्च में चर्चा का विषय था। यानी जैसे आपने कहा, वो यही कह रहे हैं, देखो, यानी हमने यहाँ पर नाग हम्मादी पाया है, नॉस्टिक लाइब्रेरी है, और उनमें से कुछ जैसे कि थोमा का सुसमाचार, ये तो बिल्कुल यीशु के समय तक वापस जाता है, और जैसे जीसस सेमिनार कहता है, ये तो लगभग 50 की बात है, यानी ये दूसरे सुसमाचार के समय की बात है। यानी इसे इतने पुराने समय में रखने के द्वारा वो ये कहते हैं कि दूसरे सुसमाचार जो हैं, जो यहाँ व्यवहारिक दिखते हैं, कहते हैं इन्होंने यीशु का दूसरा दृष्टिकोण बताया है। कितना अलग, ये बहुत ही अलग है। वो कहते हैं ये पर्यायी दृष्टिकोण है जो कि आपकी परंपरा के जैसे ही है, और हम इसे बदल सकते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास में यहाँ पर बिल्कुल ऊपर के कुछ हैं जिनका उपयोग किया जाता है बहुत से मीडिया प्रेजेंटेशन में, जो कि लगभग हर बुक स्टोर में उपलब्ध है। चलिए थोमा के सुसमाचार से शुरू करते हैं। ठीक है, थोमा के सुसमाचार की पृष्ठभूमि बताइए, ये कहाँ से आया है और इस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? जॉन, ये बड़ा ही रोचक है। कुछ समय पहले मैं पूर्वी तट पर था, वहाँ किसी ने मुझे एक मेनलाइन चर्च की पत्रिका दी। खोलने पर देखता हूँ थोमा के सुसमाचार से एक भाग को वहाँ प्रकाशित किया गया है। कलीसिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल कनाडा देश में कई सारे थोमा चर्च मौजूद हैं। क्या कारण है कि लोग थोमा के इस सुसमाचार की ओर खींचे चले आ रहे हैं? इसमें कई ऐसे संदेश हैं जो अन्य सुसमाचारों के उलट हैं, विपरीत हैं। सच कहें तो कई लोगों के लिए यह काफी सुहावना संदेश है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि यीशु उद्धारकर्ता नहीं है बल्कि एक प्रकाशक है।
तो उनके अनुसार अगर हमें उद्धार पाना है तो अपने आप की सही खोज आवश्यक है। आंतरिक ज्ञान के माध्यम से, आंतरिक दिव्य चिंगारी खोजने के जरिए, वस्तुतः वह सभी के अंदर मौजूद है, आत्म प्रकाशन के जरिए और ऐसी कई बातें। कईयों के लिए बेहद सुलभ है बनिस्पत इसके कि वे स्वीकारें कि वे एक पापी हैं और उन्हें उनके पापों की क्षमा यीशु के क्रूस के मृत्यु द्वारा अनुग्रह से मिलती है, तो कईयों के लिए यह काफी खुशगवार है, भले ही यह स्त्री विरोधी क्यों ना हो। थोमा के सुसमाचार में 114 प्रवचन हैं, कहने के लिए यीशु के प्रवचन, और उसमें से एक इस प्रकार है, कोई भी स्त्री स्वर्ग के काबिल नहीं, उनके लिए स्वर्ग जाने का एक ही तरीका है कि वे पुरुष में तब्दील हो जाएं। तो जैसे कि कई लोग हवाला देते हैं कि ये रहस्यात्मक सुसमाचार महिला समर्थक हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। तो थोमा का सुसमाचार या अन्य सुसमाचारों में समस्या क्या है? नंबर एक, वे कब दिनांकित होते हैं? अब यह समझना कठिन नहीं कि जो उक्त घटना के ज्यादा पास या जल्दी लिखे गए होंगे, ऐतिहासिक तौर पर वे उतने अधिक विश्वसनीय होंगे। और जब आप मत्ती, मरकुस, लुका, यूहन्ना के सुसमाचारों को देखते हैं, वे उन घटनाओं के बेहद अधिक करीब लिखे गए, उन घटनाओं के बेहद आसपास, इसलिए वे अधिक विश्वसनीय हैं। और जब हम इतिहासकारों के साक्ष्यों को देखते हैं थोमा और अन्य सुसमाचारों को दिनांकित करने के विषय, और अगर आप जांच परख कर देखेंगे, ये सुसमाचार ठहरते नहीं दिखते, ये सुसमाचार दूसरे सदी के दूसरे भाग के आसपास दिनांकित हैं। यह वास्तविक घटना के बहुत बाद का समय है। यह कुछ ऐसा कहना है, मानिए 1965 का गृह युद्ध और अब्राहम लिंकन। आज मैं उन घटनाओं के विषय लिखने बैठता हूँ केवल अपने विचार के आधार पर कि उस समय ऐसा हुआ होगा। बिल्कुल इसी प्रकार का कुछ अंतर रहा होगा जब दूसरी सदी के कुछ लोगों ने यीशु के विषय लिखने की कोशिश की। दरअसल इनका एक एजेंडा था, ये रहस्यवादी थे, इनका पुनरुत्थान से कोई वास्ता नहीं, यीशु का पुनरुत्थान हुआ या नहीं इससे उनको फर्क नहीं पड़ता था। उनका मुद्दा था कि यीशु में कुछ रहस्यमय गुप्त ज्ञान है, और वह ज्ञान कुछ ही काबिल लोगों के लिए था, केवल उन्हीं के लिए जो इसके योग्य हैं। ये अनुग्रह का संदेश नहीं है, बाइबल का संदेश है। परमेश्वर ने सबको क्षमा का अनुदान दिया है जो पश्चाताप और विश्वास से उनके पास आए। पर थोमा का संदेश कहता है, अरे क्या तुम इसके योग्य हो? अरे क्या तुम्हारे पास ज्ञान है? क्या तुम्हारे पास दिव्य चिंगारी है, दिव्य चाबी है, तो तुम अंदर आ सकते हो? मेरी नजरों में यह कर्मबद्ध उद्धार है। जी, जब हम तारीखों की तुलना करें तो एक बुद्धिमान व्यक्ति विलियम एफ एल्ब्रेट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से, उन्होंने अपने मरने के पहले लिखा है कि सुसमाचार की हर एक किताब बपतिस्मा पाए यहूदी ने लिखा है, जो कि ईस्वी सन 40 से लेकर 80 के दरमियान लिखी गई है, और संभव है कि 55 से 75 ईस्वी सन में लिखी। ठीक है, यीशु सन 30 में मरा। ठीक है, ये किताबें 25 से 30 साल के दौरान लिखी गई हैं। जो अभी हमारे पास में है वो यरूशलेम की न्यूज स्टैंड पर वहां थी। ठीक है, लोग इसे पढ़ सकते थे, जिन्होंने इसे पढ़ा, यानी दोनों, जो यीशु से प्रेम करते थे, जो यीशु से नफरत करते थे। जो यीशु से प्रेम करते थे वो इसे देखकर निश्चित करते कि यह सिद्ध है, और उन्हें पूरी बातें वहां पर याद आती, और जो यीशु से नफरत करते वो भी बिल्कुल ऐसे करते, क्योंकि वो इन लोगों को गलत साबित करना चाहते। ठीक है, आपने क्रेग एवंस की इंटरव्यू ली, जो विद्वान है कनाडा के एकेडिविया डिविनिटी स्कूल के। वो कहते हैं कि थोमा का सुसमाचार 150 से 200 सन के बीच में लिखा गया है, यानी ये तो सुसमाचार जहां पर उसे 100 साल के बाद में है, और उन्होंने इसके लिए कुछ कारण बताए हैं। थोमा ने इसमें नया नियम जोड़ दिया। हाँ, है बिल्कुल सही कहा। रोचक बात यह है कि थोमा कई सारे संदेह और संदर्भों का और वचन का भी काफी हवाला देते हैं जो यह बताता है जिस किसी ने यह लिखा है वह अधिकांश नए नियम से सुपरिचित था। जैसे कि तथ्य बताते हैं, नए नियम के बारे में इतना अधिक जानने वाला ऐसा कोई भी दस्तावेजी प्रमाण नहीं जो 150 एडी के पहले लिखा गया हो, और यह तथ्य कि वे बाद के रूपों का उपयोग कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो देखिए, मरकुस एक अच्छे लेखक नहीं थे, उनमें अच्छी लिखाई का गुण नहीं था, तो मत्ती और लूका अपने लेखनों द्वारा मरकुस को और अधिक सुशील बनाते हैं, पर थोमा के संस्करणों में हम वह सुशीलता और सभ्यता शुरू से पाते हैं। साथ ही इसमें हम कई मिथियों को पाते हैं। साथ ही विद्वान हमें बताते हैं कि यूहन्ना का सुसमाचार अंतिम था, जो कि बाइबल के 4 सुसमाचारों में अंत में लिखा गया। पर जॉन, बेहद रोचक घटना कुछ समय पहले घटी, वह थी थोमा का सुसमाचार और सीरिया कलीसिया के बीच का संबंध उजागर होना। देखिए, तब सुसमाचार फैलने लगा, पर 175 एडी तक सीरिया में सुसमाचार नहीं पहुंचा था, और ना ही हमारे इन 4 सुसमाचारों के रूप में पहुंचा। सुनिए, टेशन नाम का एक व्यक्ति नए सुसमाचारों को तैयार करता है, चारों सुसमाचार को मिलाकर एक कहानी लिखता है। लिखाई के दौरान वास्तविक रूप को बदलता है, भाषा के स्वरूप को बदलता है, हम इसे डायटेसरॉन कहते हैं, चारों सुसमाचारों का मिश्रण। तो सीरिया को यही मिलता है, और रोचक यह है, डायटेसरॉन के प्रारूप को हम थोमा के लेख में देखते हैं।
साथ ही संसार में केवल एक ही जगह है यहूदा को यहूदा थोमा कहा गया और वह हुआ सीरिया में और यही इस सुसमाचार का नाम है। यह एक काफी महत्वपूर्ण खोज है। थोमा में 114 कथन है, सब बिखरे बिखरे लगते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग, किसी भी भाषा में इसका कोई संबंध नजर नहीं आता। पर जब आप इसका अनुवाद सीरियाक में करते हैं आपको यहां कुछ नजर आता है। यहां 500 खास शब्दों के उपयोग को आप पाते हैं, ये बार बार दोहराए गए हैं ताकि इन 114 कथनों में जुड़ाव दिख सके और लोग क्रमबद्ध तरीके से इन्हें याद रख पाए। इससे क्या समझ आता है? यह बताता है कि यह सीरिया कलीसिया की अपनी उपज है जिन्हें 175 एडी तक सुसमाचार नहीं मिला था। साथ ही वे तथ्यों को मरोड़ने लगे अपनी सहूलियत के अनुसार। उदाहरण के तौर पर उन्हें वाणिज्यवाद पसंद नहीं था, व्यापारी उन्हें नागवारा थे। इसकी झलक आप इस लेख में पाते हैं। तो जॉन यह सब कुछ हमें एक निर्णायक मामले की ओर ले जाता है कि थोमा का लेख 175 और 200 एडी के बीच लिखा गया, 200 एडी के ज्यादा करीब, 175 के बनिस्पत, और इसलिए ऐतिहासिक तौर पर इसमें कोई वजन नहीं रह जाता बनिस्पत मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना के, जो बहुत अधिक पहले लिखे गए प्रत्यक्ष दर्शियों द्वारा पहली शताब्दी में। जी, यानी थोमा का सुसमाचार लगभग 100 साल के बाद में आया, हम उससे अलग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। उतना ही नहीं जॉन, जब आप अध्ययनों को देखते हैं कि जिस गति से प्राचीन दुनिया में पौराणिक कथाएं बढ़ी, आप पाएंगे कि दो पीढ़ियों का समय भी पर्याप्त नहीं था कि वो ठोस ऐतिहासिक सच्चाई को पौराणिक कथाओं द्वारा मिटा दे। पर अपेक्षा करते हैं कि एक दो पीढ़ियों के गुजरने के बाद आप पौराणिक विकास को और अधिक पाएंगे। यही है थोमा, यह पौराणिक कहानियां है। उनका ऐतिहासिक यीशु से कोई सरोकार नहीं था, उन्हें अपने मुद्दों को विख्यात करना था, जैसे कि रहस्यवाद, आत्मज्ञान वगैरह वगैरह। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों दूसरी शताब्दी के दौरान ये निराली चीजें हो रही हैं। जी हाँ, हम निराली चीजें देख रहे हैं, पर इसका ऐतिहासिक यीशु के साथ में कोई संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बात निराली है तो अगली तीन की राह देखिए, वो है पत्रस का सुसमाचार, गुप्त मरकुस और मरियम का सुसमाचार। ये नाम सुनने में अच्छे दिखते हैं लेकिन सच्चाई तो ये है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं और उनमें क्या क्या है और कैसे विद्वान ये कह रहे हैं कि इन्हें भी वहाँ सुसमाचार के साथ में जोड़ना चाहिए। आप इसे चूकना नहीं चाहेंगे, बने रहिए। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया और इसे फिर देखना चाहते हैं या हमारे दूसरे प्रोग्राम और विषय को देखना चाहते हैं तो बस हमारे फ्री जॉन एंकरबर्ग शो ऐप पर जाइए या हमारी वेबसाइट पर इसे देखिए jashow.org पर। हम लौट आए हम चर्चा कर रहे हैं ली स्ट्रोबल के साथ, जो 13 साल तक शिकागो ट्रिब्यून के लीगल एडिटर रहे, पहले नास्तिक थे अभी विश्वासी हो गए हैं, और हम ऐसे कुछ हमलों को देख रहे हैं जो आधुनिक विद्वान लेकर आ रहे हैं, जो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ रहे हैं जो कि नए आधुनिक यीशु के बारे में हमें बताते हैं। हमने अभी थोमा के सुसमाचार पर चर्चा की, तो अगला है पत्रस का सुसमाचार यानी पहला पत्रस। ये युक्ति की बात है, ये आप समझाइए। अच्छा तरीका है वर्णन का। जानते हैं ये लेख उन्हें 9वीं शताब्दी के आसपास एक भिक्षु के ताबूत में मिले। उन्हें लगता है ये पत्रस के सुसमाचार हो सकते हैं पर वे निश्चित नहीं हैं। तो आपको ये दस्तावेज कहां से मिले हैं? हेलो, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आप एक भिक्षु के ताबूत में कर क्या रहे हैं, जो भी हो। और देखिए, ये वे दस्तावेज नहीं थे जिसे लोग सदियों से ढूंढ रहे थे और जिसे पाकर वे कह सके कि इसमें कुछ तथ्य है। दरअसल उस समय के कलीसिया के इतिहासकारों ने चेतावनी दी थी और कहा था कि सचेत रहना, एक हास्यास्पद चीज उभर रही है, पत्रस का सुसमाचार, यह निरर्थक है, यकीन मत करना। इस कहानी में कई सारी मनगढ़ंत बातें हैं। उदाहरण के तौर पर वे कहते हैं कि पिलातुस ने यीशु को क्रूसीकरण के लिए सौंपा, फिर किसी महायाजक या याजक का जिक्र है जिसने पूरी रात कब्रिस्तान में गुजारी और उसके बाद कब्र से बाहर आते हैं एक प्रकार के स्वर्गदूत जिनके सर बादलों से टकरा रहे थे और फिर यीशु उनका सर बादलों के भी पार जा रहा है। क्या ये एक NBA ड्रीम टीम की तरह नहीं है? आप इन्हें $1 million भी दे सकते हैं अपनी टीम में खेलने के लिए। और फिर एक क्रूस है जो उनके पीछे आता है। अब ये क्रूस गतिशील कैसे है मैं नहीं जानता, पर यह उनके पीछे है। और फिर परमेश्वर पूछते हैं, क्या तुमने सोए हुओं को सुसमाचार सुनाया? जवाब यीशु नहीं देते। जानते हैं क्रूस जवाब देता है, हाँ हमने किया। एक मिनट रुकिए, क्या आपको यह सब एक पौराणिक कथा की तरह नहीं लगता? ये वही है पौराणिक कथा, लंबे समय से चले आने वाली कहानियां। नंबर दो, यह पहली शताब्दी से नहीं हो सकता, पुराना दस्तावेज नहीं हो सकता, इसीलिए भरोसेमंद नहीं है। क्योंकि देखिए, कहा गया है कि याजक कब्रिस्तान में
रात गुजार रहा है। मैंने क्रेग एवंस का इंटरव्यू लिया था, वे प्राचीन इतिहास के काफी सम्मानित विद्वानों में से हैं, और उनका कहना है उस समय के दौरान ऐसा कोई भी याजक नहीं हो सकता जो जाकर कब्रिस्तान में रात गुजारे, क्योंकि शुद्धता जैसी बातों के लिए उन्हें कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता था, इसलिए ये बड़ा विचित्र लगता है। और यहाँ तक कि देखिए, जीसस सेमिनार के जॉन डोमिनिक क्रॉसन ये कहते हैं कि ये किताब तो सन 50 में लिखी गई है। मेरे हिसाब से ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना है, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना, क्योंकि जो प्रमाण है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। इसे लिखने वाला पहली शताब्दी के यहूदी संस्कृति से बिल्कुल अपरिचित लगता है, नहीं तो कोई कैसे लिख सकता है याजक कब्रिस्तान में रात गुजारता है। मुझे यह तीसरी चौथी सदी के आसपास की बात लगती है, और यह वास्तविक यीशु के संदर्भ में बिल्कुल अप्रासंगिक है। एक और डॉक्यूमेंट है द गॉस्पल ऑफ मेरी। यह डैन ब्राउन की द विंसी कोड द्वारा ज्यादा लोकप्रिय हुआ। इसमें कहने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, किसी भी विद्वान से पूछिए वे बताएंगे यह लगभग 150-200 ईस्वी की बात है। ऐसा लगता है यह किसी महिला द्वारा एक कोशिश है कलीसिया द्वारा लगाए गए उन प्रतिबंधों से पार पाने की, कुछ सन की और अजीब लोगों को रोकने की कोशिश है। इनमें कुछ महिलाएं भी हो सकती है, शायद वे कलीसिया में प्रचार करना चाहती थीं, तो उन्होंने इस लेख को लिखा कि मरियम को परमेश्वर का दर्शन मिला और पत्रस और अंद्रियास कहते हैं यीशु ने ये नहीं कहा, तो मरियम रोने लगती है यह मरियम मग्दलिनी है, तो लेवी पत्रस और अंद्रियास से कहते हैं हे सुनो उसे जाने दो, उसे जाकर बिना किसी बंधन और प्रतिबंध के प्रचार करने दो। कलीसिया ने जो झूठे प्रचारकों को प्रचार करने से रोकने के लिए जो नियम बनाए होंगे, यह उसे पार पाने का एक तरीका लगता है। ऐतिहासिक यीशु का इससे कोई संबंध नहीं लगता। ये तो अजीब है, और अगला तो इसके करीब भी नहीं आता है, जो कि मरकुस का रहस्यमय सुसमाचार है। यह अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय मतलब जॉन, हास्यास्पद और बेतुका है। मॉर्टिन स्मिथ कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक बहुत ही सम्मानित और उदारवादी विद्वानों में से एक हैं। वे कहते हैं, वे बताते हैं उन्होंने मध्य पूर्व में यरूशलेम में एक खोज की। उन्हें 17वीं शताब्दी से कुछ दस्तावेज मिलते हैं जो अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट के खत की प्रतिलिपि थी। वे पत्रस के शिष्य थे, आदि कलीसिया में वे फादर थे। उस समय वे काफी विख्यात पुरुष थे। 1600 के आसपास किसी भिक्षु ने इसकी नकल की थी, और वह नकल की गई थी एक रहस्यमय सुसमाचार से। रहस्यमय सुसमाचार, मरकुस का रहस्यमय सुसमाचार, इसे कुछ सूत्रपात ही देख सकते थे, इसे हर कोई नहीं पढ़ सकता था, वो तो मरकुस का नियमित सुसमाचार है। यह मरकुस का रहस्यमय सुसमाचार है। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या है? लिखा है यीशु एक युवक को चंगा करते हैं, और यह नौजवान उघाड़े बदन केवल एक तौलिया लपेटे हुए यीशु के साथ रात गुजारता है। यहां मॉर्टिन स्मिथ के आशय स्पष्ट नजर आ रहे हैं। उस समय यह खुलासा नहीं हुआ था कि खुद मॉर्टिन स्मिथ एक समलैंगिक है, और ये कई अन्य पुस्तकों के भी लेखक हैं जिसमें वे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु ने कुछ गुप्त संस्कारों को आगे बढ़ाया, ये समलैंगिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। खैर, और आगे देखिए, मॉर्टिन स्मिथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए 548 पृष्ठ की एक पुस्तक लिखते हैं अपनी इस महान खोज का बयान करते हुए। विडंबना देखिए, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिलीजियन के प्रोफेसर एलिन पेगल्स इसकी प्रस्तावना लिखते हैं। पर बात जब आगे बढ़ती है, जिन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने लिखा वे अब नहीं है, उनकी मृत्यु के पश्चात कुछ तस्वीरें मिलती हैं, वो बहुत अच्छी बात है। चलो हम इसे देखते हैं, समझते हैं, फोरेंसिक जांच करते हैं, क्या पता चलता है? वे सब जाली थे, धोखा था। शोध करने पर पता लगता है, जैसा कि विश्लेषण किया जाता है लिखाई वगैरह को समझकर, उन्होंने कुछ यूनानी अक्षरों का बड़े अनूठे रूप से इस्तेमाल किया, और भी कई अन्य सबूतों ने यह प्रमाणित किया कि यह केवल एक जालसाजी है। और भयानक बात यह है, ऐसे कई उदारवादी विद्वान हैं जो ऐसा कुछ दिखते ही बस कूद जाते हैं बिना परखे, अरे वाह यह तो कुछ नया है, शायद ऐसा हो भी, यह दिलचस्प है, यह उत्तेजक है, चलो इस बारे में हम कुछ लिखते हैं। वे अनदेखा करते हैं प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा लिखित पहले शताब्दी के दस्तावेजों को, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना और पूरे बाइबल को वे अनदेखा करते हैं। उसे अनदेखा कर इसे बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें ही शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि यह तो पूरी तरह गलत है। विद्वानों के समुदाय के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है जो अपनी गहन सोच को निलंबित करते हैं केवल इस पुस्तक के लिए। पर बात जब मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना की आती है, बिना ऐतिहासिक प्रमाणों को आप आलोचनात्मक हो जाते हैं। मुझे लगता है यह काला धब्बा है विद्वानों के नाम पर। मैंने क्रेग एवंस को इससे भी ज्यादा नाराज देखा जब मैंने उनको पूछा माइकल बेगिंस के द जीसस पेपर्स के बारे में।
आपने भी उनका इंटरव्यू लिया, तो आप बताइए द जीसस पेपर्स के बारे में उन्होंने क्या कहा। मेरा मतलब ये बड़ा अजीब है। माइकल बेजन बड़ी विचित्र बात अपनी किताब में कहते हैं। लिखते हैं कि यरूशलेम के किसी घर की मरम्मत करते समय उन्हें कुछ पपायरस के टुकड़े मिले, दो टुकड़े। वे अरामिक में थे और कहा गया कि स्वयं यीशु ने इसे लिखा क्रूस की सजा का इंतजार करते वक्त। और कहा गया है, अरे देखिए सुनिए, यहाँ कुछ गलतफहमी है। मैं नहीं कह रहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हम सब में परमेश्वर की आत्मा है, तुम में परमेश्वर की आत्मा है, मुझ में परमेश्वर की आत्मा है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, अब माइकल बेजेंट आगे कहते हैं, ये दो इसराइली पुरातत्वविदों द्वारा सत्यापित किया गया है। मैं स्वयं उनसे जाकर मिला हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ यह सही है। एक बात बताइए, जरा रुको। नंबर एक, यरूशलेम के किसी भी घर में 2000 साल तक कोई भी पपायरस सुरक्षित नहीं रह सकता, वहां के मौसम को देखते हुए खराब हो जाएगा। नंबर दो, वे नहीं कह सकते इस पर मालिकाना हक किसका है। ओह, इन्होंने इसकी तस्वीर नहीं खींची। ओह, वे आरामिक नहीं पढ़ सकते थे, ना वे इसके मालिक थे, तो कैसे पता क्या कहा गया। और वे दो पुरातत्वविद जिन्होंने इसकी पुष्टि की थी, वे दोनों मर चुके हैं। जब मैं शिकागो ट्रिब्यून में कानूनी संपादक था और अपने संपादक के पास जाकर कहता है, हे सुनो, मेरे पास एक अच्छी कहानी है, और ये कहानी सुनाता, इस बिना पर तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता। क्या तुम इतने ना समझ हो, या शातिर मूर्ख कहें, इस बेवकूफी को बेचना चाहते हो? दो मिनट में मैं रस्ते पर होता। हम इसे केवल ऐतिहासिक तृष्णा कह सकते हैं। और बेजिंद जिनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, इस प्रकार की एक पुस्तक लिखते हैं और विडंबना देखिए, लोग इसे खरीद कर पढ़ते हैं और विश्वास भी करते हैं। अन्य किताबें, होली ब्लड, होली ग्रेल वगैरह, मैं कहूंगा यह इतिहास का पुनर्लेखन है, ताकि यह लोगों के पूर्वाधारित विचारों में सटीक बैठ सके। ठीक है, अभी सारांश में बताइए, सारी नई किताबें और नए जो हमले हैं, जो नए अजीब यीशु के बारे में बताते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको एक पंक्ति में इसका उत्तर दे सकता हूँ। ऐसे किसी नए दस्तावेज की खोज नहीं हुई है जिनकी कोई भी ऐतिहासिक वैधता हो, और जिसने वास्तविक ऐतिहासिक यीशु पर और उनके ईश्वरत्व पर हमारे विश्वास को तनिक भी कम किया हो। जी दोस्तों, आप इस बात पर गौर करते चले जाइए, और अगले हफ्ते हम एक और बात पर गौर करते जाएंगे, क्या चर्च ने टेक्स्ट में कोई बदलाव किया, यानी आज जो हमारे पास में है नए नियम के इस टेक्स्ट में, जो हमारे पास में अब तक पहुंचा है, क्या हमारे पास में दूसरा टेक्स्ट है जो असली में लिखा गया था उससे, क्या हमारे पास अलग इशू है जिसके बारे में उन्होंने लिखा, क्या हमारे पास में अलग सिद्धांत है जो असली डॉक्यूमेंट्स में लिखे नहीं गए। कुछ विद्वान कहते हैं हाँ ये हुआ है, तो हम बताएंगे ये नहीं हुआ है। हमारे साथ अगले हफ्ते जुड़ जाइए। आज हमारे साथ द जॉन एंकबर्ग शो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप मसीह विश्वासी बनना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर जाइए jashow.org पर और क्लिक कीजिए एक विश्वासी बने, जो हमारे होम पेज के ऊपर आप देखेंगे, और यहाँ पर आप व्यक्तिगत रूप में जानकारी पाएंगे कि अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ में व्यक्तिगत संबंध कैसे बनाएं। आज के प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए या हमारे दूसरे प्रोग्राम और विषय को देखना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर जाइए jashow.org पर और क्लिक कीजिए वॉच पर। अगर अपने स्मार्टफोन पर हमारे प्रोग्राम देखना चाहते हैं, तो अपने ऐप स्टोर में जाइए और डाउनलोड कीजिए हमारी फ्री द जॉन एंकबर्ग शो ऐप, और इसमें हमारे 60 से अधिक टेलीविजन प्रोग्राम होंगे जो आप कहीं भी किसी भी जगह पर मुफ्त में देख सकते हैं। आपके लिए उपलब्ध और भी बहुत सी जानकारी को आप यहां पर देख सकते हैं। जॉन एंकबर्ग शो के एक और एपिसोड के लिए अगले हफ्ते जरूर जुड़ जाइए। हमारा प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। नौ स्रोत जिनमें से 27 किताबें आई हैं, वो कौन सी हैं? बिल्कुल, मूल रूप से 9 लोग थे जिन्होंने हमारे नए नियम में योगदान दिए थे। वह थे मती, मार्कुस, लूका, जो लूका प्रेरितों के काम के लिए जिम्मेदार है, योहन्ना जो सुसमाचार और प्रकाशित वाक्य के लिए जिम्मेदार है, जोहान इनका पत्र। कुछ लोग इस पर विवाद करेंगे, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सब एक व्यक्ति है, प्रेरितों के काम जो लूका से जुड़ा हुआ है, और वैसे ही मती, मार्कुस, लूका और योहन्ना है, और जाहिर है कि प्रेरितों के काम लूका के साथ आता है। फिर पौलुस है और फिर जेम्स है। आपके पास इब्रानियों का लेखक है, जैसे कि ऑरजोन कहता है केवल परमेश्वर ही जानता है कौन है, और फिर पत्रस, मुझे लगता है कि बस इतना ही, यहूदा अंत में। ठीक है, तो मूल रूप से ये 9 लोग इन 27 पुस्तकों को योगदान देते हैं। एक तो प्रेरित थे या फिर प्रेरितों के साथ ही थे, चर्चा यहीं खत्म हुई। जी बिल्कुल। आप इसमें और भी क्या जोड़ना चाहेंगे, जैसे कि हॉवर्ड के विद्यार्थी इस तरह से कहते हैं कि ये बात सही है, उन्होंने सही बात चुनी है। इन पुस्तकों की रचनाकारिता की चर्चा को हम दूसरी शताब्दी की शुरुआत से ही पाते हैं।
पैपियस ने इसकी चर्चा की, आइरेनियस ने, इग्नेशियस ने प्रेरितों के विषय बात की, क्लेमेंट ने बात की। वे चर्चा और तर्क साबित करते हैं इन पुस्तकों को इन नामांकित लोगों ने ही लिखा है, और भले ही वे नए नियम को अभी पवित्र शास्त्र में नहीं देख पा रहे, तब तक यह नहीं हुआ था, वे फिर भी कहते हैं इन्हें लिखने वाले वे लोग आधिकारिक और प्रामाणिक हैं। और हमारा जो आज का संघर्ष है, कल्पना कीजिए आज कोई आकर कहता है, सुनिए बाइबल में 66 किताबें हैं पर 67वीं किताब मैंने अभी लिखी है और इसके प्रकाशन के लिए मुझे किससे मिलना होगा। अक्सर आपको ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसों के लिए जगह तो बस मुझे लगता है पागलखाने में ही है। वैसे ही जब आप बात नए नियम की, दस्तावेजों की करते हैं, तो लगभग कुछ ऐसी ही स्थिति बनी होगी। एक चर्च को यह कहने में कितना समय लगेगा कि आज हमारे पास हमारी बाइबल में अर्थात हिब्रू बाइबल में कुछ नए अंश जुड़े हैं। दूसरी सदी के आसपास वे इब्री बाइबल को ही संपूर्ण मानते थे, पर अब नया नियम उसमें जुड़ने लगता है। डैन, मेरे पास आपके लिए कोट है बाटरमन से, और उन्होंने ये कहा, ये टेक्स्चुअल क्रिटिक्स्ट, बारकरमन ने कहा, जितना मैं नए नियम के मैन्युस्क्रिप्ट का अध्ययन करते चली जाता हूँ, उतना ज्यादा मैं ये जानता हूँ कि इतने साल में इन वचनों में कितना ज्यादा बदलाव लाया गया है। ठीक है, आप नहीं सोचते कि ये सही बात है, मुझे बताइए क्यों। देखिए, मैं अरमन के एक और पुस्तक का उल्लेख करना चाहूंगा जो उन्होंने उनके मेंटर डॉक्टर रूस के साथ लिखी, द टेक्स्ट ऑफ द न्यू टेस्टमेंट, जिसके चौथे संस्करण का प्रकाशन 2005 में हुआ। और उनके अनुसार यह जो अलेक्जेंड्रियन धारा है या ये जो पांडुलिपियां हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण, यह सबसे शुद्ध और पुरानी पांडुलिपियों का प्रवाह है। और जब हम उन्हें देखते हैं, और अधिकतर समीक्षक इसी पर निर्भर होते हैं मूल पाठ पर पहुंचने के लिए, ये एक दूसरे के काफी करीब हैं। पर जब अरमन मुख्तलिफ या भिन्न पांडुलिपि की बात कर रहे हैं, वे इन पांडुलिपियों की बात कर रहे हैं, ना कि उन पांडुलिपियों की जिस पर अधिकतर समीक्षक निर्भर रहते हैं। अगले हफ्ते जॉन एंकबर्ग शो में, मुझे बड़े विवाद दे दीजिए, क्या है यह 1% की बात, और वे कहते हैं रोमियो 5:1 हम में शांति है या हम मेल बनाए रखें, यूनानी में केवल एक अक्षर का फर्क है। देखिए, मुझे नहीं लगता मतलब बदलते इससे इसके अर्थ पर कुछ भी फर्क पड़ेगा। एक और उदाहरण, 1 यूहन्ना 1:4 लिखा है, ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए, या फिर ये बातें हम इसलिए लिख रहे हैं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अब मुझे बताइए, अरे क्या फर्क पड़ता है, बात है बुनियादी मुद्दे की, वह सही होना चाहिए। किसी भी सिद्धांत के संदर्भ में यह अप्रासंगिक है। इन मुद्दों को लेकर आलोचकों का आपस में संघर्ष करना रोचक है, पर मुद्दे की बात यह है जॉन, कलीसिया का कोई भी ऐसा प्रमुख सिद्धांत नहीं है जो नए नियम के किसी भी वचन की वजह से खतरे में है या संदेह के घेरे में है। संभव है कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे, या आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए फोन नंबर पर अभी आप हमें फोन कीजिए। इस पर फोन कीजिए, कोई बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है कि अगले हफ्ते इसी समय आप हमारे साथ फिर जुड़ जाएंगे, और यीशु मसीह के साथ में संबंध कैसे शुरू करें ये सीखने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए jashow.org पर, और क्लिक कीजिए प्रे टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर पर।